Assalamualaikum students. Students, आज हम ग्रामर बुक के टॉपिक द यूज़ ऑफ is, are, am के अबाउट पढ़ेंगे कि हमने इंग्लिश सेंटेंसेस में is, are और am को कौन कौन से सेंटेंसेस में यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है. नंबर वन is यूज विद ऑल सिंगुलर नाउन्स, वन पर्सन, प्लेस और थिंग. ये सिंगुलर नाउन की एक्सप्लेनेशन है कि सिंगुलर नाउन क्या होता है, किसी कोई भी एक पर्सन या प्लेस और थिंग. नंबर टू आर इज यूज विद ऑल प्लूरल नाउन्स, मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग. आर क्या होता है, आर किसके साथ यूज़ करना है, प्लूरल नाउन्स के साथ. और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, इंसान या किसी चीज़ का नाम, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन्स. और ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर प्लूरल नाउन्स आएंगे हम उसमें आर यूज़ करेंगे. नंबर थर्ड एम इज़ यूज विद आई. किसी भी सेंटेंस में जब आई यूज़ होगा तो उसके साथ हम हमेशा एम को यूज़ करेंगे, ठीक है. एम आई जी कोई भी सेंटेंस जो आई से स्टार्ट होगा उसके साथ हम एम को इंक्लूड करेंगे. अब नीचे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. इट इज़ माई साइकिल. अब देखें, साइकिल सिंगुलर है ना, और चीज़ का नाम है तो ये सिंगुलर नाउन हो गया. तो हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसमें हम इज़ को यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है. नंबर टू, ज़ारा इज़ वॉशिंग हैंड्स. अब ज़ारा एक लड़की का नाम है, तो किसी भी लड़की या जगह का नाम जो भी हो वो एक नाउन होता है ना, सिंगुलर नाउन है, ज़ारा एक है. तो इसीलिए हम इस सेंटेंस में इज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़ारा सिंगुलर नाउन है. नेक्स्ट देखिए, आई एम अ गर्ल. अब देखेंगे सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी कोई सेंटेंस आई से स्टार्ट होगा उसके साथ हम हमेशा एम को यूज़ करेंगे, ठीक हो गया. लास्ट एग्जाम्पल देखिए, अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स. अब अहमद एंड अली दो लोग हैं ना, दो नाउन्स की बात हो रही है, तो जब भी मोर देन टू या टू पर्सन्स की बात होगी या किसी भी पर्सन, प्लेसेस और थिंग जो दो से ज़्यादा होंगे उसकी बात होगी, हम उनमें हमेशा आर का यूज़ करेंगे, ठीक हो गया. समझ आ गई आप लोगों को. आज की हमारी डायरी है ग्रामर बुक का, आपने पेज नंबर 9 and 10 इसको सॉल्व करना है और इसको लर्न भी करना है. इस पे जो कंसेप्ट है उसको आपने अच्छे से समझना है, ठीक है. थैंक यू.